हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं अभी 7 और मैं आज बाहर नहीं जा पाई हूँ टहलने के लिए, तो मैंने सोचा छत पर ही चलते हैं और आपसे थोड़ा बात भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, मैं छत पर आ गई हूँ टहलने के लिए। ये देख लीजिए, दिखाती हूँ आपको, देख लीजिए नीचे। तो फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू लगा लिया था और झाड़ू लगा के मैं फ्री हो गई, तो मैंने सोचा चलो छत पर ही टहल लेते हैं। आज बाहर नहीं जा पाई हूँ, मैं लेट हो गई थी। रोज़ टहल आती हूँ थोड़ा सा, तो आज नहीं जा पाई, तो मैंने सोचा चलो छत पर ही टहल लेते हैं और उसके बाद मैं नीचे आऊँगी और नाश्ता बनाऊँगी। अभी मैंने चाय भी नहीं बनाई है, अभी जा कर के जस्ट चाय बनाऊँगी। अभी बच्ची दोनों सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो टहल लेती हूँ, उसके बाद उनको जगाऊंगी, चाय दूध बनाऊंगी उनके लिए और थोड़ा सुबह टहलने से थोड़ा सही रहता है फ्रेंड्स। सारे दिन एनर्जी बनी रहती है और आलस नहीं आता है, इसीलिए टहलना बहुत ज़रूरी रहता है और इसीलिए मैं टाइम निकालने लगी हूँ टहलने के लिए। सुबह बच्चों की वजह से नहीं जा पाती थी, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ थोड़ी 10-15 मिनट के लिए, जल्दी जल्दी 5-6 राउंड लगाती हूँ लंबे लंबे, उसके बाद घर आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं मिलती हूँ, थोड़ा टहल लूँ उसके बाद। मंदिर है गाइस हनुमान जी का, ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बालाजी लिखा हुआ है। और इधर आगे चल के माता रानी का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर है, तो सारे मंदिर हैं इधर। और ये इधर फार्म हाउस है, ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, देख लीजिए बहुत बड़ा फार्म हाउस है। गेट को कर देती हूँ मैं बंद। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ रही हूँ नीचे और मैंने टहल लिया है, ये देख लीजिए, जीने से नीचे आ रही हूँ मैं और देख लीजिए मैं आ गई हूँ अंदर। और ये मेरे हस्बैंड इधर योगा कर रहे थे बाहर रूम में, और मैं ये देख लीजिए अंदर आ रही हूँ। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी दोनों बेटियाँ कैसे सोने में लगी हुई हैं। और ये मैंने चने भिगोए हुए थे रात में, और भिगोए हुए चने बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, तो हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं सुबह, रात को डाल देती हूँ मैं थोड़े से। तो मैं इनको अच्छे से 2-3 बार धो लूँगी अच्छे पानी से और अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी मैं। तो सबसे पहले सभी लोग चने ही खाते हैं, उसके बाद ही चाय लेंगे और उसके बाद नाश्ता। तो ये देख लीजिए, मैंने चनों को अच्छे से साफ़ कर लिया है 3-4 बार पानी से। और ये देख लीजिए, मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, मेरी चाय उबल रही है। और और
गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये चने रखे हैं, तो गाइस मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस मैंने ये छोटी सी क्लिप ली हुई है, मेरे हस्बैंड योगा कर रहे हैं सुबह सुबह, और ये रोज योगा करते हैं सुबह। तो गाइस हमारी चाय बन गई है, ये देख लीजिए आप, अदरक वाली बहुत ही अच्छी चाय बनी है। और फ्रेंड्स चलो मैं पी लेती हूँ। बहुत अच्छी चाय बनी है फ्रेंड्स, और अभी देखते हैं क्या सब्जी बनती है। अभी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं घर पे, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दाल बना सकती हूँ, पूछूंगी क्या खाएंगे तो वही बनाऊंगी। देखती हूँ आपके साथ शेयर कर पाती हूँ या नहीं, टाइम मिलेगा तो करूँगी और नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाऊँगी। फ्रेंड्स बच्चों के साथ, अभी बच्चे सो रहे हैं वो जगेंगे, उनके लिए दूध बनाऊँगी और उसके बाद उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी कुछ जो खाएंगे वो, और उसके बाद ही खाना बनेगा, झाड़ू पोछा करूँगी। और सुबह का फ्रेंड्स आप जानते हैं कितना सारा काम हो जाता है, तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मैं, और काफ़ी दिनों से नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज मॉर्निंग में कर लेती हूँ थोड़ा सा रिकॉर्ड। चलो देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद चाय पीने के बाद। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आज हमारे यहाँ सब्जी नहीं है कुछ, तो मैंने दाल ही बनाई है। मैंने दो दालों को मिक्स करके बनाया हुआ है, अरहर की और मसूर की दाल। ये देख लीजिए हमारा मसाला पक रहा है। मैंने दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि दाल बनाना तो सभी को आता है, तो इसीलिए मैंने नहीं की है। ये मेरे मसाला पक गया है, मैंने टमाटर भी डाल दिए। ये देख लीजिए मेरी दाल बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी दाल बनी है फ्रेंड्स। मैंने दो दालों को मिला के बना लिया है, कोई सब्जी नहीं थी और इनको टाइम भी नहीं था सुबह सुबह सब्जी लाने का, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं दाल ही बना लेते हैं आज। और ये देख लीजिए चावल बन गए हैं हमारे, दाल चावल बना लिए हैं हमने। गाइस मैं बच्चों को जगाने आई हूँ, वो नहीं जग रहे हैं, दोनों की दोनों सो रही हैं। मैं सोच रही इनको जगा लूँ और दूध बना दूँ इनका, फिर नाश्ता बना दूँ कुछ, और मुझे लेट कर देते हैं, ऐसे ही लेट सोते हैं रात को, फिर सुबह लेट जगती हैं, इसीलिए मैं लेट हो जाती हूँ काफ़ी, और बहुत पूरा काम लेट हो जाता है मेरा। अभी इनके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा और फिर ये जगेंगी तो सारा काम मेरा लेट हो जाएगा, ये काफ़ी लेट जगेंगी। मैंने इसीलिए कूलर भी बंद कर दिया है कि ये जग जाएं, पर ये नहीं जग रही हैं, दोनों के दोनों सोने में लगी हुई हैं। 11-12 बजे सोती हैं नाइट में, इसीलिए सुबह आराम से जगती हैं, 9 बजे तक जगेंगी। तो मैं इनको जगाने आई हूँ और उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। अभ्या 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 जग जाओ, देखो कितने टाइम हो गया, 8 बज गए। जगो जगो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो अभ्या हमारी जग गई हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। नभ्या नभ्या नभ्या, तो गाइस नभ्या नहीं जग रही हैं, वो अभी सो रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फ्रेंड्स बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइज़।